फाइनली अभी हम यहाँ पे गोरे वाले पुल पे पहुँच गए हैं। ये हमारे गांव के पास से निकल रही एक नहर है जो कि अब बिल्कुल ही सूख चुकी है, पहले पूरी ऊपर तक भरी रहती थी। तो अभी ये वाला रास्ता है, इस रास्ते पे हमें जाना है। देखो अभी ऑटो मिलता है क्या मिलता है, मम्मी वेट कर रही है बाबू को लेके। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा, किसी ने भी, एक सिंगल पर्सन ने भी। जब से मैंने दिल्ली से यूपी में एंट्री करी है, मैंने किसी को मास्क में नहीं देखा, और ना ऐसा कोई रूल है, पुलिस वाले भी बगल से निकल के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है। ऑटो का वेट कर रहे थे, ऑटो कोई आने को तैयार ही नहीं था, तो फिर हमें अभी बस में आना पड़ा है। ये बस हमें गाँव के बाहर ही उतार देगी। देखो हमारी पीहू गांव आ चुकी है, और गांव के बाहर देखो हम लोग गांव के बाहर डेरा डाल के बैठे हैं, क्योंकि सामान बहुत भारी है। थोड़ा यहां पे रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस वाले ने हमें यहां उतार दिया है, और यहां से करीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है गांव जाने का, और वो रास्ता ये है, एकदम पतली सी पगडंडियाँ हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, बाकी अभी थोड़ा सा बस हमारी पीहू अभी उठी है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे। ये मेरे भैया हैं, और ये हमें गांव के बाहर ही बाइक से लेने आ गए थे, क्योंकि कोई और सुविधा थी नहीं और सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो पहले मैं सामान के साथ, भैया मुझे घर छोड़ देंगे, उसके बाद भाभी और मम्मी को लेने जाएंगे। ये हमारे गांव वाला घर है, ये बहुत ही पुराना है, बहुत पुराने टाइम से बना हुआ है। ये मेरे पापा के दादाजी थे, उनके टाइम का बना है, तो ये अभी हमारे हिस्से में है। तो ये बंद रहा है काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए तब से बंद है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि इसकी क्या हालत हो रखी है। तो आप बने रहिए, और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो रूम है इसमें, और एक छोटा सा बरामदा है। तो जिसमें से ये वाला जो रूम है, ये मेरी दादी का रूम था, और इसमें अभी पापा की शादी की साइकिल है, और चारपाई है, और छोटा मोटा और भी सामान पड़ा हुआ है। इसे मैंने खोला नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं है और काफ़ी सालों से बंद है, तो उसके अंदर कुछ भी निकल सकता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है इस कमरे में। तो अभी फ़िलहाल मम्मी बाहर से सफाई करेंगी और सामने वाला रूम साफ़ कर देंगे, जितना हो सकता है उतना साफ़ किया जाएगा। और बाकी मैं बताती हूँ, ये जो सामने वाला रूम आप देख रहे हैं, ये मेरे पापा मम्मी का रूम है। मेरी मम्मी मतलब शादी के बाद इसी रूम में आई थी। और ये जो दीवार है सामने, वो मेरे ताऊ जी के घर की दीवार है। उन्होंने जब बंटवारा हुआ था तो उन्होंने उधर से दीवार लगा ली थी, लेकिन हमारी साइड से अभी कोई दीवार नहीं लगी है इधर। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जाड़ा भी हो चुका है, ये ऊपर का हिस्सा है। इस घर के ये देखो आप, ईंटें सारी झड़ चुकी हैं, मतलब बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो अभी इसमें मजबूती तो नहीं रही, लेकिन सारी ईंटें ख़राब हो चुकी हैं, सारी झड़ने लगी हैं। अब इसे हम प्लान करेंगे कि इसे हम दोबारा से बनवा लें। कोई रहता नहीं है इस वजह से, इसकी ऐसी ये हालत है, और इसलिए इसमें ज़्यादा हमने काम भी कुछ नहीं करवाया है अभी तक। आते हैं तो कई कई सालों में आते हैं, जब कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है तभी आते हैं यहाँ पे, तो तभी इसकी सफाई हो पाती है। ये अंदर कमरों में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वीडियो रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है, इसलिए जितना हो सकता है उतना दिखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, तो आप देख रहे हो ठीक दोपहर हो रही है, और ये हमारी भाभी ने बिल्कुल हरी बाजरा हो रही है पूरी बाजरा, और ये मेरी बहन प्रीति है। प्रीति है बोलो, हाय बोलो, हाय। और ये हमारी भतीजी है छोटी बहन, और ये हमारी बड़ी भतीजी है, हाय बोलो, हाय। क्या नाम है आपका? तन्नू नाम है। और ये काश्मी है, और मैं सरिता, जो कि आप मेरा चैनल देख रहे हो ब्लॉग विद सरिता। और अब हम लोग छत पे क्या कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। छत पे इन्होंने रसोई वसोई बना रखी है, ये है चूल्हा, ये क्या है इसे क्या बोलते हैं, बरोसी, बरोसी, इसमें दूध गर्म करते हैं, और बाद में इसमें कंडे हैं, कंडे तो सबको पता है। और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। ये उसकी छत है, ये मेरे घर की छत है,
और बाकी की चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि गांव के बाहर में ना एक भागवत हो रही है हमारी, तो मैं आपको वहाँ का सीन भी थोड़ा सा शूट करके दिखाऊंगी। फिलहाल अभी के भाभी पहली बार ये चूल्हे पे रोटी बना रही है। रोटियों का साइज देखो, छोटा छोटा पहले सीखने तो दौड़ थोड़ी ढंग से। हाँ रखो भाई, बहुत गर्मी लग रही है, इन्हें गर्मी लग रही है और छत पे बैठी है। आउच, जल गई। जिसको भी भाभी के हाथ का खाना खाना है तो वो आ सकता है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।